हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, नवरात्रों में आपने बहुत तरह की रेसिपीज देखी होगी और उनमें से कई रेसिपीज तो आपने ट्राई भी की होगी। इस नवरात्रे आप इस मेदू वड़े की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। व्रत की बहुत ही अच्छी रेसिपी और नई तरीके की रेसिपी, तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सवा का चावल। सवा का चावल व्रत का चावल होता है, इसके दाने छोटे होते हैं। इसे हम मिक्सी के बाउल में डालकर इसे हम दरदरा पीसेंगे। आपको इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना, दरदरा पाउडर बनाना है। तो यहाँ दरदरा पाउडर एकदम तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उस पैन में हम डालेंगे 1.5 कप पानी, यानी 1 कप सवा के चावल के लिए हम लेंगे 1.5 कप पानी। अब पानी में जब आ जाएगा अच्छे से बॉयल, तब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च करीब 1/2 चम्मच और सेंधा नमक, जो कि व्रत का नमक होता है, वो स्वाद अनुसार। नॉर्मल नमक से सेंधा नमक थोड़ा ज्यादा पड़ता है। 1 चम्मच हम यहाँ पे डाल देते हैं घी। और जब पानी में आप देख सकते हैं अच्छे से आ गया है बॉयल, तब हम धीरे धीरे इसमें डालते हैं सवा के चावल को, जो पीस कर हमने पाउडर बनाया था, और इसे कंटिन्यूअस हमें चलाते रहना है ताकि लम्स फॉर्म ना हो। आपको गांठे बनने नहीं देनी है, इसीलिए आप इसे चलाकर धीरे धीरे डालते रहिए। अब इसे कंटिन्यूअस चलाते हुए आपको पानी को सुखा देना है ताकि ये एक डो फॉर्म कर जाए। गैस को कम आंच पर कंटिन्यूअस चलाइएगा तो पानी सारा सूख जाएगा। ये देखिए, ये सूख चुका है। अब हम इसे गैस बंद कर ढककर छोड़ देंगे। मैंने एक बॉइल्ड आलू लिया है, बॉइल्ड आलू को करेंगे हम ग्रेट और इसे साइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा आटा भी ठंडा हो चुका है, सवा के चावल की आटा ठंडा हो चुका है। इसमें हम मिला देते हैं ग्रेट किया हुआ आलू। हरी मिर्च का प्रयोग हमने किया है यहाँ पे 1 चम्मच, कुछ धनिया पत्ता हमने डाला है। अब इन सबको डालने के बाद हम हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिला लेते हैं। नमक हमने स्टार्टिंग में ही डाल दिया था, तो अभी नमक डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे से इसे मिला लेते हैं। अब हमारा मेदू वड़ा बनने के लिए तैयार है। हाथों की हम थोड़ी सी ग्रीसिंग कर लेंगे, थोड़ा सा डो हाथों में लेंगे और इसे शेप देंगे, मेदू वड़े वाली शेप जैसी होती है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे शेप दिया है। इसी तरीके से आपको पूरे डो का मेदू वड़ा बना लेना है। हाथों की ग्रीसिंग या कहे उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर अगर ये कीजिएगा तो ये हाथों से चिपकेगा नहीं। बहुत ही नई तरह की रेसिपी है जो इस नवरात्रे आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। व्रत में एक ही खाना खा खा कर अगर बोर हो चुके हैं तो इसे जरूर ट्राई करें। सारे मेदू बड़ों को हमें ऐसे ही शेप दे देना है। अब हमें इसे करना होगा डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, और तेल को पहले हम हाई हीट पर गर्म कर लेंगे, और एक बार जब वो गर्म हो जाए तो हम फ्लेम को कम कर देंगे। इससे मेदू बड़ा आपका अच्छे से अंदर तक पकेगा। हाई हीट पर इसे फ्राई ना करें, वरना ये ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर कच्चा रहेगा। तो इसे एक बार अच्छे से तेल को गर्म करके गैस की आंच को कम कर इसे फ्राई करें। दोनों तरफ से इसे गोल्डन फ्राई होने दें। जैसे ही गोल्डन कलर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं आना शुरू हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। और टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है टिश्यू पेपर उसे एब्जॉर्ब कर ले। सारे मेदू वड़ों को इसी तरीके से आप फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, तैयार है इस बार नवरात्रे में बहुत ही नई तरह की रेसिपी, सवा के चावल के मेदू वड़े। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। इसे आप अपने पसंद की चटनी के साथ सर्व करें। मैंने यहाँ पे
नारियल की चटनी और धनिया पत्ते की चटनी दोनों बनाई है। आपको जो पसंद आप वो बनाएं। अगर आप हमारी ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तभी इसे लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।